ओके सो आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द साइन फंक्शन. ओके तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए बेसिकली हमें यूज करना होगा द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन व्हिच सेज कि साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच लिमिट एच टेंस टू जीरो. जो भी इसका वैल्यू आएगा इस लिमिट का वो आपका डिफरेंशिएशन होगा ऑफ साइन. तो इसके लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला विच इज दैट ऑफ साइन सी माइनस साइन डी. तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? ये होता है टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू. ये इन केस आपको नहीं भी पता तो अभी के लिए मान लो ये आराम से प्रूफ किया जा सकता है. इफ़ यू नो द फॉर्मूला ऑफ लेट से साइन ए प्लस बी. अगर आपको साइन ए प्लस बी पता है तो फ्रॉम बाई यूजिंग दिस यू कैन प्रूव दिस. ठीक है, बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हो. तो देखो अब इसको अगर यूज़ करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा? इसको अगर यूज़ करते हैं यहाँ पे तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू इंटू कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स मतलब कि टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स का मतलब हो गया एच एंड बाई टू. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एच ऑफकोर्स ये पूरे में एच डिवाइडेड है. तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास आ गया कॉस टू कॉस इंटू कॉस ऑफ सॉरी एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू. अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट हम ले रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो. क्या कर रहे हैं? दोनों फंक्शन में अलग अलग ले लेते हैं एच टेंस टू जीरो. यहाँ पे भी लिख देते हैं एच टेंस टू जीरो. क्यों कर सकते हैं ऐसा? बिकॉज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट्स इन टू द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. इफ द इंडिविजुअल फंक्शंस विच इज जो प्रोडक्ट को बना रहा है, यहाँ पे एक कॉस है एक साइन है, बेसिकली दोनों ही आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा. दोनों ही आपको एक फाइनाइट वैल्यू ही देता है हमेशा. साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है. तो इसी वजह से हम कर सकते हैं इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट बिकॉज वी नो कि साइन और कॉस दोनों ही कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल फंक्शन है. इसलिए जो भी लिमिटिंग वैल्यूज आएगा वो भी फाइनाइट ही आएगा. ठीक है, तो दीज आर द रूल्स ऑफ लिमिट्स बेसिकली. तो यहाँ पे देखो, अगर हम पहले वाले में लिमिट डाल देते हैं यानी कि कॉस में अगर लिमिट डाल देते हैं तो एच टेंस टू जीरो का मतलब अगर सेकेंड टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास बच गया कॉस एक्स और इस तरफ बच गया एक साइन एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू. देखो एच टेंस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि एच बाई टू भी टेंस टू जीरो होगा ना. एच अगर टेंस टू जीरो हुआ तो एच बाई टू एच जीरो बाई टू भी क्या होगा? जीरो ही होगा ना. तो इसीलिए एच बाई टू लिखो या एच लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. तो आई एम राइटिंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट इट इन अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्म. ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो इस पता ही चलेगा. होता क्या है कि लिमिट अगर आप लेते हो इस चीज़ का, लिमिट लेते हो अगर मान लो कि एच टेंस टू जीरो. ठीक है, इसको कोई जनरल टर्म बोल देते हैं. ठीक है, जैसे कि आप बोल देते हैं एक्स बोल देते हैं एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स. ठीक है, अगर ये लिमिट लेते हैं हम तो इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आना चाहिए? बस यही हमें निकालना है ना यहाँ पे बेसिकली. देखो यहाँ पे एच बाई टू है, इस एच बाई टू को कुछ बोल दो के बोल दो बेसिकली. तो ये बेसिकली बन जाएगा क्या? लिमिट के टेंस टू जीरो साइन के बाई के, यही बन जाएगा ना. तो हम यहाँ पे यही तो निकाल रहे हैं के को, मतलब एक्स बोलो के बोलो, दिस आर ऑल लेबल्स है बेसिकली, टर्म सेम है. तो इसका हम लिमिट निकालना चाहते हैं. तो क्या इसका लिमिट कैसे निकलेगा? अब समझो साइन का वैल्यू क्या होता है. साइन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो साइन का ग्राफ ऐसा दिखेगा कुछ आपको. साइन का ग्राफ जो दिखता है वो ऐसा दिखता है, इस तरह का कुछ ग्राफ दिखता है. और साथ साथ में अगर साइन के साथ साथ अगर आप वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको.
थोड़ा सा इसको बेसिकली जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं इसको, वो है ऐसा। ये है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। दिस इज वाई इक्वल टू एक्स एंड दिस इज वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो तो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव देन तो वाई इक्वल टू एक्स जो है हमेशा साइन एक्स के ऊपर रहता है, यानी कि जो एक्स का वाई इक्वल टू एक्स है तो मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही साइन एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव इसका मतलब क्या होगा कि साइन एक्स बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। जब एक्स नेगेटिव होगा तब देखो यहाँ पे, जब एक्स नेगेटिव होगा तो आप देख सकते हो कि जो साइन है साइन इज ग्रेटर देन एक्स, लेकिन एक्स नेगेटिव है क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो इसको इस एक्स को अगर इस तरफ लाते हैं हम तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक्स इज नेगेटिव, ये हो जाएगा वन। ओके, तो इन बोथ द केसेस आइदर आइदर इन केस वेयर एक्स इज पॉजिटिव और एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि साइन एक्स बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको कहाँ यूज करेंगे हम बेसिकली, अब देखो ये ऑलवेज लेस देन वन है तो क्या कभी कभी वन हो सकता है क्या, ऑलवेज लेस देन वन बोल रहे हैं तो क्या कभी वन हो सकता है क्या, वन हो सकता है एक एक कंडीशन में, देखो कैसे हो सकता है वह। जब एक्स जीरो के बहुत करीब है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे जीरो के बहुत करीब है जब एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज टू साइन एक्स है, या इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, दोनों तरफ ही, अगर एक्स के एक्स और साइन एक्स बहुत करीब है बेसिकली, मतलब एक्स जीरो के बहुत करीब है तो एक्स और साइन एक्स का वैल्यू जो आता है वो ऑलमोस्ट सेम आता है। तो इन दैट केस साइन एक्स बाई एक्स जो है बेसिकली अप्रोच करना शुरू कर देता है वन को, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन। तो इन मैथमेटिकल टर्म्स अगर हम रिगोरस वे में बोलना चाहें तो साइन एक्स बाई एक्स जब एक्स बहुत करीब होता है एक्स जीरो के तो ये ऑलमोस्ट वन बन जाता है, अदरवाइज ये हमेशा वन से छोटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम जीरो के करीब आते हैं वैसे वैसे साइन का वैल्यू जो है एक्स को अप्रोच करना शुरू कर देता है, साइन एक्स का वैल्यू एक्स को अप्रोच करना शुरू कर देता है, एंड देयर फॉर इन दैट लिमिट इट एक्चुअली बिकम्स वन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ लिमिट, ठीक है। हम इसको अलग तरीके से भी प्रूव करेंगे आगे चल के जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ग्राफिकल टर्म्स में आप देख के समझ सकते हो कि साइन एक्स बाई एक्स हमेशा लेस देन वन होता है, बट इन वन केस वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, नॉट जीरो, नॉट जीरो, बिकॉज साइन जीरो अगर होगा तो साइन जीरो होगा तो नीचे भी जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज इन लिमिट, दिस इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये होगा, हो गया कि जिसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते, जिसको आप बता नहीं सकते इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि जीरो बाई सम नंबर, सम पॉजिटिव नंबर लेट से के, ये क्या होगा, ये हमेशा जीरो होगा। इसी तरह से के बाई जीरो, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा अनडिफाइंड होगा, ये हमेशा इन्फिनिटी होगा, अगर के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और के नेगेटिव है तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, पर होगा इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड होगा बेसिकली। ये दोनों फॉर्म इनडिटर्मिनेट नहीं है, लेकिन 0/0 अगर एग्जैक्टली 0/0 आ गया तो बेसिकली ये कुछ कह ही नहीं सकते हम, इसको इसका कुछ कह ही नहीं सकते हम, एग्जैक्टली 0/0 तो एक तरह से इनडिटर्मिनेट भी नहीं बोलना चाहिए इसको, 0/0 का कोई मतलब ही नहीं है मैथ्स में एग्जैक्टली 0/0 का। लेकिन हाँ, अगर जीरो ऐसा हो कोई नंबर, मतलब जीरो के ऊपर वाला भी जीरो के बहुत करीब हो, जीरो के बहुत करीब हो, नीचे वाला भी लेटर से जीरो के बहुत बहुत करीब हो, तो इसका कोई फाइनाइट वैल्यू आ सकता है,
इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइन एक्स बाई एक्स का जो लिमिट, साइन एक्स बाई एक्स का जो वैल्यू होता है इन लिमिटिंग केस व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट क्लोज टू वन. सो इन द मैथमेटिकल लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, मैथमेटिकली जब हम एक्स को बिल्कुल ही टेंड कर जाएंगे जीरो की तरफ ले जाएंगे उसको, देन साइन एक्स बाई एक्स मैथमेटिकली इट शुड बी इक्वल टू वन. ठीक है, दैट्स द ओनली केस व्हेन इट शुड बी इक्वल टू वन. अब इतना देखने के बाद वापस आते हैं हम अपने लिमिट पे, वापस आते हैं इस लिमिट पे. तो इसका वैल्यू मतलब क्या हो गया कि इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का वैल्यू क्या हो गया, इस चीज़ का वैल्यू हो गया का वन. और ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही था, ये चीज़ और ये चीज़ सेम था ना, दे आर इक्वल. तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू वन, ये जो होगा ये इक्वल टू वन हो गया ना, दिस इज इक्वल टू वन बेसिकली. तो आपका रिजल्ट क्या मिल गया, आपको रिजल्ट आपको मिल गया कि जो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल इट कम्स आउट टू बी कॉस एक्स इन टू वन. तो मतलब ये बेसिकली कॉस एक्स. तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स शुड बी कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इट शुड बी कॉस एक्स. इसी तरह से अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हो एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, सेम तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, सेम तरीके से यू राइट इट एज एच टेंस टू जीरो, दिस इज कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच. इसमें फॉर्मूला लगाओ किसका, कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ एंड व्हाट यू विल गेट. इसका फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला देख लेना क्या होता है, दिस इज योर एक्सरसाइज, यू शुड डू इट, कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ इसमें एंड यू विल फाइंड कि ये अल्टीमेटली जो आपका आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन वो आएगा माइनस साइन एक्स. ठीक है, तो दो रिजल्ट्स हो गए हमारे पास बेसिकली. दिस इज योर एक्सरसाइज, ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज, यू शुड डू इट बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ एक दो चीज अभी हम लोगों ने देखा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स होता है. ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एंड दिस इज योर exercise. You have to prove this. Okay. In the next video, we will take some more functions and then try to differentiate them. Okay. Okay. See you in the next video.